और उम्मीद करता हूं सबसे पहले आप अपने जोश के लिए तालियां बजाएं जिस जोश से आप यहां पहुंचे हैं। आप सभी लोग जानते हैं पिछले कई महीनों से पवन जी, पवित्र विद्यार्थी जी, शिशिर जी, ये लोग आपकी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इस सरकार के कान पर, इस सरकार के कान पर कोई झूठ तक नहीं लग रही है। सत्ता के मदहोश में चूर इस सरकार को लगता है कि सरकार में आने के बाद इसकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रह गई है। लेकिन सरकार को बताना चाहूंगा, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार का आना जाना लगा रहता है, एक सरकार जाती है और दूसरी आती है, लेकिन भूला नहीं, इतिहास के पन्नों में केवल उन्हीं का नाम रह जाता है जो जनता और महिलाओं की आवाज को सुनता है। इतिहास के पन्नों में ऐसी निकम्मी सरकारों के नाम को इतिहास से मिटा के रख दिया है और इसका भी मिट जाएगा। लेकिन इस देश की परंपरा साहब ये है, जब ये महिलाएं, जब ये गरीब किसान मजदूर अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो इन्हें जंगली कहा जाता है साहब। लेकिन जंगली होना कोई बुरी बात नहीं है। राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जब तक अयोध्या में रहे श्री राम कहलाए थे, लेकिन जब जंगल जाकर के लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो इसलिए आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव संख्या बल का होता है। आप अपनी संख्याओं को बढ़ाइए क्योंकि लोकसभा का चुनाव निकट है। मैं बस यही कहूंगा, उठिए, जगिए और चलिए हमारे साथ और छीन लीजिए अपने अधिकार इस निकम्मी सरकार से, क्योंकि आज के युग में अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। तो एक बार पुनः मेरे साथ अपने दोनों हाथ आकाश में लहराते हुए इस सरकार को संदेश देंगे हम कि यहाँ पर किसान और मजदूर और महिलाएं अपने हक के लिए आए, किसी और के हक के लिए। तो एक बार पुनः जोर से आवाज दो। इस तरह काम नहीं चलेगा दोस्तों। हम इतनी दूर से आपके बीच आए आपको समर्थन करने के लिए, आपकी मांगों को लेकर, तो आपकी आवाज में कम से कम इतनी बुलंदी तो होनी चाहिए कि यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद उस निकम्मी सरकार को पता चल जाए कि कुछ किसान और मजदूर अपने अधिकार के लिए आए हुए हैं। तो एक बार मैं आग्रह करता हूँ अपनी महिलाओं और पुरुषों से कि दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके आकाश में लहरा के पुनः जोर से बोलिए आवाज दो। भारत माता के, यकीन मानिए दोस्तों, आपका यही जोश, आपका यही जज्बा विद्यार्थी जी को, पवन जी को आपकी इस मांग को मनवाने के लिए सरकार को मजबूर कर देगा। और मैं इन महिलाओं से कहना चाहूंगा कि किसी भी आंदोलन की जीत मुख्यतः महिलाओं से तय होती है, और इस आंदोलन की खूबसूरती यह है कि आप पुरुषों से ज्यादा महिलाएं आई हुई है। तो एक बार मैं उम्मीद करता हूँ महिलाओं के जोश के लिए तालियां बजाई जाए, इन महिलाओं के सम्मान के लिए तालियां बजाई जाए जो कि इतने जागरूक होकर अपने अधिकार के लिए आए हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यहीं पर अपनी बातों को विराम दूंगा। बस इतना कहूंगा एक युवा होने के नाते कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बड़ी शानदार कहा है कि जब सड़क शांत हो जाती है तब संसद अक्सर आवारा हो जाती है। तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सड़कों को शांत ना होने दें, क्योंकि हम संसद को आवारा नहीं होने देंगे। और एक युवा होने के नाते हमारे एक साथी भी गुंजन जी आए हुए हैं जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो एक युवा होने के नाते सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन में सबसे अहम भूमिका हम युवाओं की होती है। तो मैं अपील करता हूँ अपने जैसे युवाओं से कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी सुनिश्चित करें और इन किसान मजदूरों का हक इनको दिलवा के रहें। जय भारत, जय हिंद।